इसका मतलब है कि अजरा भाभी और फूफो के बीच में अभी भी जंग जारी है। कशीवकी तो काफी वक्त से चली रही है, आज डिनर पर झड़प होते होते रह गई है। अच्छा, वही मासी वाली बात पर। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो कहती हूँ मासी होनी चाहिए घर, ताकि देखो अच्छा है ना, जरूरी है, हमारा भी हाथ पड़ जाएगा। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो जो फूफो को घर का सरबराह बनाने के बारे में बात है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा वो, हाँ देखो पप्पो घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, उन्हें घर चलाना भी आता है, लेकिन फिर मैं जब अजरा भाभी के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखो कुछ भी है, उनकी दिलाजारी तो हुई है ना काफी। एग्जैक्टली, यही बात मैंने जमाल भाई को समझाने की कोशिश की है। कन्विंस तो फिर क्या बोला उन्होंने? नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि ना जमाल भाई अजरा भाभी से ना बदसंग हो चुके हैं। लेकिन किस वजह से? पता नहीं। अरे लेकिन तुम्हें फिर पता करने की कोशिश तो करनी चाहिए, ताकि जो भी उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इससे उनके बीच में ना मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिर वैसे मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कोई मसला है, उनकी बन नहीं पा रही आपस में, इसलिए ना उनकी आपस में कांस्टेंट टसल चल रही है। एक दूसरे को हर चीज में अपोज करते हैं वो लोग। ये क्या बात हुई? एक कपल्स में ऐसा ही होता है, जब अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, तो कुछ टाइम के बाद ना एक दूसरे को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। क्या कुछ टाइम बाद हम दोनों भी ऐसे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बीच में तो अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे दरमियान तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए तो इतने दिन से तुम्हें एक बात के बारे में मैंने पूछा हुआ है और तुम कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। कब से टाले जा रहे हो एक चीज के बारे में? हाँ, पूछो किस चीज के बारे में बात कर रही हूं मैं। हाँ, वो कौन सी बात? ला वासिफ, हद होती है, जिस चीज के बारे में तुमने सोचने के लिए वक्त लिया हुआ था वो चीज तुम्हें सिरे से याद ही नहीं है। वो तो कौन सा? तुम्हारा टूर? जी, क्या सोचा फिर तुमने उसके बारे में? बताओ अब क्या नया बहाना सोचा है मुझे मना करने के लिए? कोई नई चीज सोची होगी ना कि अब मैं इसलिए इस वजह से नहीं जा सकती ट्रिप पर। बताओ ताकि उसका हल निकालूं फिर मैं बैठकर। मुझे पता है तुम असल में चाहते ही नहीं हो कि मैं जाऊं। क्या बताओ अब क्या मसला आ गया इस ट्रिप में, ताकि मैं हल करूं उसको। चलिए जाओ। क्या? अरे मेरा मतलब है। नहीं, बस 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 बस, तुमने एक दफा अपनी बात कर ली, बस ठीक है बात। नहीं बस, मुझे पता चल गया तुमने इजाजत दे दी, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। बात नहीं, मैं सारा और तहरीन को अभी कॉल में ला के बता रही हूँ, ताकि तुम पीछे ना हटो। अपनी रुक जाओ ना।